सेंट्रल रेलवे में एसी सप्लाई का ठेका दिलाने के नाम पर ग्वालियर के एक व्यापारी से 90 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ग्वालियर की थाटेपुर थाना पुलिस ने पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर दो लोगों पर धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि फरियादी थाना इलाके के चाणक्यपुरी दर्पण कॉलोनी का रहने वाला है। आपको बता दें कि रहने वाले पंकज सोनी हैं। पुलिस को फरियादी द्वारा जानकारी दी गई है कि योगेश गोयल और राजा खान द्वारा सेंट्रल रेलवे में एसी सप्लाई टेंडर का सर्टिफिकेट दिखाया गया था, जिसके एवज में दो लोगों ने उसे बताया था कि इस काम में इवेंट करने पर काफ़ी मोटा फायदा होगा, जिस पर फरियादी पंकज सोनी द्वारा वर्ष 2020 से वर्ष 2022 के बीच करीबन 90 लाख रुपए दोनों आरोपियों को दिए गए थे, लेकिन बाद में आरोपियों द्वारा अपने मोबाइल बंद कर लिए गए और उनका पता भी फरियादियों को नहीं मिल रहा है। तो 6 महीने से परेशान होने के बाद फरियादी ने थाटीपुर थाने पहुंचकर मामले की शिकायत पुलिस को की। पुलिस ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू करते हुए दोनों आरोपियों पर धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। थाटीपुर के अंतर्गत एक फरियादी को द्वारा कल रिपोर्ट की है, उसके द्वारा यह बताया गया कि मेरे साथ धोखाधड़ी की गई है। 2020-2021 में दो व्यक्ति थे जिनके साथ मैंने एग्रीमेंट किया था, उन्होंने मुझे जो रेलवे का सेंट्रल का ऑर्डर दिखाया कि उनको टेंडर मिल गया है और हर एसी सप्लाई करने का टेंडर मिल गया है और हर एसी पर उनके 2 से 3 हज़ार बचेंगे। तो मैं भी उनकी बातों में आ गया और मेरे द्वारा कभी 10 लाख, कभी 15 लाख, कभी 20 लाख ऐसे करके लगभग 90 लाख रुपए उसको दे दिया। और फिर उसके बाद न तो वो फ़ोन बंद है, ना वो फ़ोन उठा रहे हैं। पिछले 6 महीने से मैं परेशान हूँ, तब मेरी फोन में आ गया कि धोखाधड़ी इनके द्वारा की गई है।